मेरे प्रिय नौजवान साथियों नमस्कार। स्टडी 91 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों शानदार चल रही मैदान जंग की क्लास में आज एक फिर बहुत बड़ी जंग होने वाली है, जो आपके टारगेट हमने निश्चित किया है वह लेखपाल और सुपर टेट, यहां तक कि यूपी पीसीएस तक के समस्त प्रश्नों को, जी हाँ दोस्तों, खंगाल करके यह प्रश्नावली रखी गई है। तो फिर देर नहीं करना है, बहुत सुंदर प्रश्नावली है, आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या कहता है। क्या लिखा है, बेतवा नदी मिलती है, ठीक है ना दोस्तों, बेतवा नदी क्या करती है, मिलती है किससे मिलती है। तो चार ऑप्शन आपके सामने, गंगा से, यमुना से, ब्रह्मपुत्र से, सोन से, चारों ऑप्शन आपके सम्मुख है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए बेतवा नदी का उद्गम बिंध से होता है, मतलब विंध्याचल की जो पर्वत श्रेणी है, बिंध पर्वत, उस बिंध पर्वत से होता है, और झिरी, ठीक है ना दोस्तों, झिरी मध्य प्रदेश से होता है। कहाँ से, झिरी मध्य प्रदेश से होता है। यह नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए, ठीक है, हमीरपुर के पास, किसके पास, हमीरपुर के पास यह जा करके यमुना नदी में मिल जाती, कहाँ मिल जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है। तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं, यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं, ये याद रखिएगा। नहीं तो देखिए दोस्तों, बिंध पर्वत से निकलती है झिरी मध्य, सॉरी बिंध पर्वत की श्रेणी से निकलती है, कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश के झिरी के पास निकलती है, और निकलने के बाद यमुना नदी में जाकर के मिलती है। इसका जो प्राचीन नाम है, क्या प्राचीन नाम है, वह क्या है दोस्तों, तो वेत्रावती है। क्या है, वेत्रावती है इसका नाम। और यह जो नदी है इसकी लंबाई लगभग 480 किलोमीटर बताई जाती है। माता टीला, ठीक है ना दोस्तों, माता टीला बांध इसी से संबंधित है। मालवा पठार के बेसिन में यह पाई जाती, मतलब मालवा पठार से संबंधित है इसका, जी हाँ, बहाव क्षेत्र। और यह किसकी सहायक नदी है, तो यमुना की सहायक नदी है। जी हाँ दोस्तों, केन बेतवा लिंक परियोजना चल रही है, और दोस्तों बहुत जल्द इस पर काम पूरा भी हो जाएगा, काफी लंबे समय से नहीं यह, जी हाँ दोस्तों, परियोजना चल रही है। अगला प्रश्न आपके सामने, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। लोकटक झील देखिए कितनी महत्वपूर्ण, आप सबको पता है लोकटक झील जो है, वह कमेंट्स करिए भाई, जल्दी से जल्दी कमेंट करिए। अब देखिए लोकटक झील की बात करें तो जो पूर्वोत्तर भारत है, कौन भारत है, पूर्वोत्तर भारत है, पूर्वोत्तर भारत की यह सबसे बड़ी झील है, पूर्वोत्तर भारत की यह सबसे बड़ी झील है, यह सबसे बड़ी झील है, ठीक है, सबसे बड़ी झील है। फिर साथ ही साथ दोस्तों यह मणिपुर की भी सबसे बड़ी झील है, मणिपुर की भी सबसे बड़ी झील है, मणिपुर की भी सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील है, ठीक है, सबसे बड़ी झील है। अब साथ ही साथ दोस्तों इस झील में जो वनस्पति है, ठीक है, जो वनस्पतियां हैं, वनस्पतियां और साथ ही साथ है मिट्टी के टीले, ठीक है ना दोस्तों, मिट्टी के टीले क्या देखते हैं भैया, अर्थात तैरते हुए नजर आते हैं, इसीलिए दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो किस नदी पर स्थित है, वह आपके लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। और काइबुल लाम जाओ, ठीक है ना दोस्तों, जो राष्ट्रीय उद्यान है जिसे मणिपुर का हृदय स्थल कहा जाता है, वह कहीं और नहीं है, काइबुल लाम जाओ यहीं पर है, ठीक है ना दोस्तों, काइबुल लाम जाओ, ठीक है, काइबुल लाम जाओ, ठीक है, लाम जाओ जो राष्ट्रीय उद्यान है वह यहीं पर स्थित है, राष्ट्रीय उद्यान जो है वह यहीं पर स्थित है। अब आप समझ सकते हैं यहां से कितनी शानदार बातें हैं। अब देखिए दोस्तों, चूड़ा चांदपुर का नाम सुना होगा, क्या सुना होगा आपने, चूड़ा चांदपुर का नाम सुना होगा, कहां पर है चूड़ा चांदपुर, ये याद करिए, आज पहली बार बता रहा हूं, चूड़ा चांदपुर, ठीक है, चूड़ा
चांदपुर जिला है भैया। कहाँ जिला है ये, कहाँ का जिला है, तो मणिपुर का है और वहीं पर यह झील स्थित है और यह मणिपुर का सबसे बड़ा जिला है चूड़ाचांदपुर। ठीक है, चूड़ाचांदपुर जिला कहाँ का, मणिपुर का सबसे बड़ा जिला है, तो ये भी बातें आप याद कर लीजिए, बहुत शानदार बातें हैं। तो लोकटक झील किस राज्य में स्थित है, ये सारी बातें आपको पता हो गई होंगी बहुत शानदार तरीके से। जी हाँ दोस्तों, ये याद रखिएगा। और एक तरह से जो संगाई हिरण है वह भी यहीं पर पाई जाती है, इतनी बात और ध्यान देते रहिएगा। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न आपके सामने। उत्तराखंड में किस झील को मायावी झील के नाम से जाना जाता है, वह झील जो माया दिखाती है, जहां पर दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं, जिसका नाम है रूपकुंड। ठीक है, रूपकुंड एक हिम झील है। रूपकुंड क्या है, एक हिम झील है, और हिम झील होने के कारण इसमें याद रखिएगा दोस्तों, यह मायावी इसलिए कहलाती है क्योंकि यहां पर मानव कंकाल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, मानव कंकाल पाए जाते हैं इस झील में पाए जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इसे रहस्यमयी झील भी कहते हैं। क्या, रहस्यमयी झील भी कहते हैं। ये बातें याद रखिएगा बहुत शानदार तरीके से। नहीं, ठीक है, चलते हैं आगे दोस्तों। विश्व में सबसे अधिक संख्या में झीलें कहाँ पाई जाती हैं, विश्व में सबसे अधिक संख्या में झीलें कहाँ पाई जाती हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। लिखा है कनेडियाई शील्ड में, पूर्वी अफ्रीका में, स्कैंडिनेवियाई में, या फिर दोस्तों साइबेरिया में। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो सबसे ज्यादा झीलें हैं वह कहाँ हैं। सभी बच्चों गुड आफ्टरनून। जी हाँ दोस्तों, रोशनी जी ठीक है, पायल जी, प्रलय जी ठीक है, सीमा जी ठीक है, सुशील जी, राजेश जी, आरके जीएस साहब, बहुत सारे बच्चे जो हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी का तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। सभी बच्चों से निवेदन करते हैं कि एक बार सभी लोग वीडियो को प्लीज शेयर कर दे, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। नहीं तो विश्व में सबसे अधिक संख्या में झीलें कहां पाई जाती हैं, सभी बच्चों ने कुछ ने बी दिया, कुछ ने सी दिया, तो कुछ ने ए दिया। चलिए दोस्तों देख लेते हैं, सबसे ज्यादा जो झील पाई जाती है वह कनेडियाई शील्ड में पाई जाती है। कहाँ पर, कनेडियाई शील्ड में पाई जाती है, और यह झील के बारे में जितनी बात की जाए उतनी ही कम है दोस्तों। यहाँ पर जो सबसे बड़ी झील है वह ग्रेट बियर झील है। कौन सी झील है, ग्रेट बियर झील है, ये बातें याद रखिएगा। और इसी से आर्कटिक वृत्त भी जाता है। ठीक है, आर्कटिक वृत्त जाता है, और यह कनाडा की सबसे बड़ी झीलों में से एक है दोस्तों। दूसरा है ग्रेट स्लेव झील। दूसरा क्या है, ग्रेट स्लेव झील है, दूसरी प्रमुख झील कनाडा की ग्रेट स्लेव झील है। रेनवियर, ठीक है ना दोस्तों, रेनवियर, जी हाँ दोस्तों, यहां की झील है। फिर उसके बाद इरी झील का नाम आता है, ओंटारियो का झील आता है, जी हाँ दोस्तों, आपका हुरान झील आता है, सुपीरिया झील आता है। ये चार झीलें ऐसी हैं जो कनाडा के साथ साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में भी स्थित हैं। इसलिए दोस्तों कनेडियाई पार्ट में बहुत सारी झीलें पाई जाती है, जैसे अथावस्का झील भी यहाँ पर पाई जाती है। कौन सी, अथावस्का झील भी यहाँ पर पाई जाती है, ये बातें भी आपको पता होना चाहिए। तो कनेडियाई शील्ड में सबसे ज्यादा झीलें पाई जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का एकदम सटीक आंसर देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न आने से पहले, नितिन सर हैंड राइटिंग ई बुक अब आप घर बैठे बैठे प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों जब तक वीडियो नहीं शेयर करेंगे, लाइक्स नहीं करेंगे ना, तब तक मैं अब आपसे बहुत नाराज हूं। ठीक है,
क्योंकि आपके लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ, आप लोगों का भी उत्तरदायित्व होता है कि बढ़िया प्रेम से नहीं, ठीक है, इस वीडियो को मन लगा के अंत तक तो जरूर देखा करिए। जी हाँ दोस्तों, आइए देखते हैं, लिखा है भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है। भेड़ा घाट कहाँ है भैया? यह पिपरिया में है, ठीक है, कहाँ पर है? पिपरिया में है, याद रखिएगा। और पिपरिया हमारा ननिहाल है, ठीक है, पिपरिया हमारा क्या है? ननिहाल है, भैरव घाट पिपरिया। जी हाँ दोस्तों, तो ये हमारा ननिहाल का पार्ट, मैं गया हूँ, देखा हूँ, समझा हूँ यहाँ पर। तो भेड़ा घाट पिपरिया है, और यह पर दोस्तों याद रखिएगा नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। क्या कौन सी नदी? नर्मदा नदी प्रवाहित होती है, और यह पिपरिया जो पार्ट आता है वह जबलपुर में आता है। कहां पर आता है? जबलपुर में आता है, और यहां पर धुआंधार जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है? धुआंधार जलप्रपात है दोस्तों, जो नर्मदा नदी पर है। पिपरिया जबलपुर में है, और साथ ही साथ दोस्तों यह मध्य प्रदेश में है। कहां पर? मध्य प्रदेश में है। 2021 में इसकी सुंदरता को देखते हुए, जी हाँ दोस्तों, यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर में इसे शामिल किया है, ठीक है, यूनेस्को ने इसे क्या किया है? विश्व धरोहर में शामिल किया है। तो इस तरह आप यहां से भी बातें समझ सकते हैं। सबसे सुंदर घाट नर्मदा नदी में यहीं पर बना हुआ है दोस्तों, मतलब जबलपुर में पिपरिया में, और इसी के आगे धुआंधार जलप्रपात भी है, बहुत भव्य है। जी हाँ दोस्तों, स्नान होता है यहाँ पर। आगे देखते हैं, रिहंद बांध कौन से राज्य में स्थित है? बिहार में है, पंजाब में है, उत्तर प्रदेश में है, या महाराष्ट्र में है? कमेंट्स करिए, आंसर दीजिए, मन लगा के आंसर दीजिए दोस्तों, क्योंकि बहुत मजेदार यह प्रश्न है। क्या? बहुत मजेदार प्रश्न है, जरूर से जरूर आपको ध्यान देना चाहिए दोस्तों। जो रिहंद बांध है, रिहंद बांध रिहंद नदी पर है। कहां पर है? रिहंद नदी पर है, और यह रेणुकूट, ठीक है, रेणुकूट सोनभद्र जिले में है। कहां पर? सोनभद्र जिला में है, यह भी जानना चाहिए। और रेणुकूट कहां पर आता है? तो उत्तर प्रदेश में आता है। यह विशेषकर रिहंद बांध उत्तर प्रदेश को लाभान्वित करता है, लेकिन यह पार्ट इसका कुछ मध्य प्रदेश में भी है, ठीक है ना दोस्तों। और उसके साथ साथ रिहंद बांध का जो निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ वह 1954 से प्रारंभ हुआ, लेकिन दोस्तों जो कार्य पूर्ण हुआ वह 1962 में पूर्ण हुआ। रिहंद नदी सोन नदी, मतलब जो सोन नदी है उसकी सहायक नदियों में आती है, और सबसे बड़ी सहायक नदी है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बांध परियोजना में से एक रिहंद बांध परियोजना है। क्या? उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बांध परियोजना में से एक रिहंद बांध परियोजना है। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको नोट कर लीजिए, अब इससे ज्यादा नहीं। अच्छा, रिहंद बांध के पीछे एक जलाशय का निर्माण किया है, ठीक है, मतलब जलाशय है जिसका नाम है गोविंद बल्लभ, ठीक है, बल्लभ पंत जलाशय, ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत जलाशय, याद रखिएगा दोस्तों। यहां से भी बातें जलाशय, यहां से भी बातें गोविंद बल्लभ पंत सागर, पूरा नाम है, इसमें सागर भी होना चाहिए, सागर जलाशय, ठीक है, सागर जलाशय, ये याद करने वाली बातें हैं। तो इतना सारा चीज अगर आपको पता चल जाता है तो फिर अब क्या दोस्त, अब तो मजा ही मजा है ना, एकदम मजा ही मजा है। तो इसको अच्छे से देख लीजिए, आगे क्या लिखा है, भारत में आलवण जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है?
आलवण झील जो है दोस्तों वह सबसे कौन है, डल झील है, भीमताल झील है, नैनीताल झील है। तो दोस्तों आलवण का मतलब लवड़ी नहीं है तो मीठी है, तो बुलर झील है। कौन सी झील है? बुलर झील है। और बुलर झील कहाँ पर है भैया? तो जम्मू कश्मीर है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वह कौन सी है? वह बुलर झील है। कौन सी है? बुलर झील है। और यह अलौड़िया झील है। तो यहां से भी ध्यान दीजिएगा, रिफ्ट घाटी का निर्माण होता है। रिफ्ट घाटी का निर्माण होता है दोस्तों, रिफ्ट घाटी का तब निर्माण होता है जब कोई पर्वत हो, जब कोई पर्वत हो और उस पर्वत के क्या है दोस्तों, बीच से खंडन हो जाए, कहीं से भी खंडन हो जाए, तो जो बीच का एक गैलरी निकलती है, जो एक बीच की गैलरी निकलती है, मान लीजिए दोस्तों यह कोई पेपर है, अगर इस पेपर को हम ऐसे फॉर एग्जांपल फाड़ देते हैं, ठीक है, ऐसे फाड़ देते हैं। अब देखिए फाड़ दिए, बात दूसरी आपको सिर्फ समझाने के लिए, अब फाड़ दिए तो दोस्तों ये पार्ट अलग हो गया और इसी के बीच में ऐसा गैप बन जाए, ऐसा गैप बन जाए, तो इसी तरह पर्वतों के बीच में जब क्या हो जाता है, गैप बन जाता है, तो उसी को भ्रंश बोला जाता है या पठारी क्षेत्र में ऐसा हा। तो भ्रंश होता है दोस्तों और उसी को हम, जी हाँ दोस्तों, रिफ्ट वैली के नाम से भी जानते हैं। उसी को हम किसके नाम से जानते हैं? भ्रंशन से ही रिफ्ट वैली का निर्माण होता है। और सबसे बड़ी रिफ्ट वैली जो देखी जाती है वह अफ्रीका महाद्वीप में देखी जाती है। सबसे बड़ी रिफ्ट वैली कहां देखी जाती है? अफ्रीका महाद्वीप में देखी जाती है। इस रिफ्ट वैली का निर्माण यहां से बताया जाता है कि तंजानिया से लेकर के दोस्तों अर्थात उत्तरी अफ्रीका तक देखने को मिल जाता है। जी हां दोस्तों, तो कहने का मतलब ये बहुत बड़ा, अर्थात तंजानिया से लेकर के दोस्तों आपको आगे इथोपिया सोमालिया होते हुए आगे तक इस रिफ्ट वैली का पार्ट मिलता है। इसलिए विश्व की सबसे बड़ी रिफ्ट वैली अफ्रीका महाद्वीप में है। यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। तो सभी छात्र छात्राएं जिस लगन से, मेहनत से इतना बढ़िया आंसर दे रहे हैं, मजा आ रहा है देख करके। आगे देखते हैं दोस्तों, हिंदी इंडिविजुअल की जबरदस्त हमारे यहाँ बैच प्रारंभ है। जो भी छात्र छात्राएं हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वह जुड़ सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, लिखा है हूबर बांध किस नदी पर स्थित है? लिखा है कोलोराडो नदी पर, नाइल नदी पर, राइन नदी पर, जी हाँ दोस्तों नाइजर नदी पर। अब देखिए जो हूबर डैम है, ठीक है, हूबर डैम, भैया कमेंट्स करिए। पहली बात तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो बांध है ना वह गुरुत्वाकर्षण चाप बांध है, ठीक है, कैसा है? गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण चाप बांध है। कहने का मतलब ये होता है कि अगर इस बांध के ऊपर से खड़े होकर नीचे बॉटल या कुछ चीजें फेंकी जाए तो वह नीचे नहीं जाती हैं, ऊपर आ जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इस डैम में, जी हाँ, जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह शून्य की स्थिति में पाया जाता है। कहने का मतलब यहां से यह है, इस जो बांध का निर्माण शुरू हुआ था वह 1931 से शुरू हुआ था। और जी हाँ दोस्तों, याद 1931 से शुरू हुआ था और जो काम पूरा हुआ था वह 1936 में हुआ था। यह जो बांध है वह कोलोराडो नदी पर है, ठीक है ना दोस्तों, कौन नदी पर? कोलोराडो नदी पर है। कोलोराडो नदी जो है वह कैलिफोर्निया से निकलती है, ठीक है, कैलिफोर्निया से निकलती है, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया के क्षेत्र से निकलती है, ठीक है, कोलोराडो नदी पर है। तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं कि यह बहुत शानदार है। और कोलोराडो नदी जाकर के कहाँ गिरती है, ये कमेंट्स बनता है कि कोलोराडो नदी का मुहाना कहाँ है। तो कमेंट्स करिए दोस्तों, जल्द से जल्द करिए, मजेदार वाली क्लासे है ना, बहुत
अच्छा लग रहा होगा, हर चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, तो फिर क्या है, हम लोग एक एक करके बढ़िया से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, हर चीज आपके लिए, जी हाँ दोस्तों, डेवलप किया जा रहा है। तो बढ़िया से मन लगा करके मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, तभी तो शिखर पर पहुंचेंगे। और जब तक शिखर पर नहीं पहुंचेंगे दोस्त, तब तक आपको बता दे, यह दुनिया आपको हमेशा झुकाती रहेगी, यह दुनिया आपको हमेशा क्या करती रहेगी, झुकाती रहेगी। यह याद रखने वाली बात है, बहुत शानदार है, बहुत शानदार है, यह याद रखिए कहानी, ठीक है। चलिए आगे बात करें, अगला चलते हैं। लिखा है, सरदार सरोवर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है। कितना सुंदर प्रश्न है, ठीक है। सरदार सरोवर बांध का जो निर्माण का कार्य शुरू हुआ दोस्तों, वो टाटा समाज संस्थान द्वारा शुरू हुआ, टाटा समाज संस्थान द्वारा शुरू हुआ। 1993 में इसकी आधारशिला रखी जाती है, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, मेधा पाटेकर ने इस पर जबरदस्त आवाज उठाई, कहा भाई सरदार सरोवर बांध से क्या होगा, बहुत सारे गांव डूब जाएंगे और नर्मदा नदी में, जी हाँ दोस्तों, एक तरह से क्षति पहुंचेगी। तब मेधा पाटेकर ने नर्मदा बचाओ अभियान को शुरू करके ने दोस्तों आगे ही निकल करके आती हैं। मेन कार 1993 प्रस्तावित तो बहुत दिन से था, ठीक है। अब देखिए कहानी क्या होती है दोस्तों, जब 1993 से यह होती है तो 1995 में यह मामला विश्व बैंक के आरक्षित में आता है, ठीक है। अंततः जा करके 2017, ठीक है, कब से भैया, 2017 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार होती है तो सरदार सरोवर बांध, जी हाँ दोस्तों, इसकी ऊंचाई और बढ़ाई जाती है, जो ऊंचाई रोकी जाती रही उसकी ऊंचाई को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है और सरदार सरोवर बांध, जी हाँ दोस्तों, खोला जाता है। सरदार सरोवर बांध, ये बातें आपको पता होना चाहिए, यह कई राज्यों को लाभान्वित करता है, जैसे मध्य प्रदेश राज्य को लाभान्वित करता है, किसको, मध्य प्रदेश राज्य को लाभान्वित करता है, गुजरात राज्य को लाभान्वित करता है, ठीक है, राजस्थान को लाभान्वित करता है और महाराष्ट्र को लाभान्वित करता है, किसको, महाराष्ट्र को लाभान्वित करता है, इन चार राज्यों को लाभान्वित करता है। और यह किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर बनाया गया है, ठीक है। नर्मदा नदी जो यूनिटी ऑफ स्टैचू है, ठीक है, जो यूनिटी ऑफ स्टैचू सरदार वल्लभ भाई पटेल की बनाई गई है राम सुतार की डिजाइन द्वारा, वह भी इसी ही गुजरात में सरदार सरोवर बांध के पास ही बनाई गई है, ठीक है ना दोस्तों। कहाँ पर, अहमदाबाद में, ये याद रखने वाली बातें हैं। तो ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, इनको बहुत ध्यान से देखना चाहिए, समझना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, लिखा है अलमाती बांध, ठीक है, अलमाती बांध किस नदी से संबंधित है। देखिए दोस्तों, अलमाती बांध जो है वह कृष्णा नदी पर है, किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर है, और यह बहुत ज़्यादा लाभान्वित तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को करता है, ठीक है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से करता है। यह याद रखने वाली बातें हैं और बहुत महत्वपूर्ण है अलमाती बांध परियोजना। फरक्का जल सहभाजन संधि के बीच में है। फरक्का आप जानते हैं दोस्तों, नाम सुना होगा, फरक्का बांध का, फरक्का जो बांध है इसी के कारण आज बिहार, ठीक है ना, बिहार और पश्चिम बंगाल में अत्यधिक बाढ़ आती है। इसके कारण बिहार में और पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है। कारण यह है कि दोस्तों, जो नदियों द्वारा मृदा है उसका ले जा करके इसी बांध के पास क्षेपण किया जा रहा है, जिससे नदियों की गहराई कम हो रही है और जल स्तर धीरे धीरे बाहर की ओर क्या हो रहा है दोस्तों, बढ़ रहा है, ठीक है।
फरक्का बैराज का जो निर्माण शुरू हुआ वह 1961 में शुरू हुआ, ठीक है, निर्माण जो है वह 1961 में शुरू हुआ, लेकिन जो पूरा हुआ वह 1972 में पूरा हुआ, ठीक है, पूर्ण जो हुआ वह 1972 में हुआ। और यह जो है गंगा नदी पर है, कहाँ पर है, गंगा नदी पर है फरक्का बांध, और भारत बांग्लादेश से, जी हाँ दोस्तों, शहबाज सांधि के साथ इसका निर्माण हुआ है फरक्का बैराज का। तो इतना सारा अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो नो डाउट्स फिर एकदम मजे ही दारा है, एकदम बहुत शानदार है, बहुत शानदार है, ये ध्यान देने वाली बात है। चलें आगे, बढ़िया से मजा आ रहा है दोस्तों, आप सभी लोग बस अगर इसी तरह मेहनत करते रहिए, लगन के साथ पढ़ते रहिए ना, तो फिर पढ़ाने में कोई दिक्कत ही नहीं होती है, ठीक है, बढ़िया साथ दे रहे हैं, मजा आ रहा है। चलते हैं तेजी से, थोड़ा देखते हैं, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का बैच हो या फिर सुपर टेट का बैच हो, दोनों हमारे यहाँ जबरदस्त उपलब्ध है। किस फसल की खेती के लिए जल जमाव की आवश्यकता होती है, चाय के लिए, ठीक है, कॉफी के लिए, धान के लिए, सरसों के लिए, चाय के लिए तो बिल्कुल नहीं होती, याद रखिएगा, और कॉफी के लिए भी बिल्कुल नहीं होती है, सरसों के लिए भी नहीं होती है, जी हाँ दोस्तों, जल जमाव की खेती जो चाहिए वह धान के लिए चाहिए, कुछ गेहूं के लिए चाहिए, बाकी दोस्तों एकदम नहीं चाहिए आपको, किसको, धान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है जल जमाव की खेती, ठीक है, जितना जल भरा रहेगा उतना ही बढ़िया धान की खेती होती है, ये भी बातें आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो जल मतलब धान का तना होता है वह पानी में सड़ता नहीं है, मजबूत होता है, ठीक है, क्या होता है, मजबूत होता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो सबसे ज्यादा धान हमारी एक खाद्य फसल में आती है, धान हमारी रबी की फसल में आती है, भारत में सबसे ज्यादा बोई जाने वाली खाद्य फसल धान ही है, सबसे ज्यादा उत्पादन जो है पश्चिम बंगाल का स्थान, उत्तर प्रदेश का स्थान, तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि चावल के उत्पादन में क्या क्या बढ़िया रोल है। आगे लिखा है किसने फसल संयोजन विधि विकसित की थी, किसने, जी हाँ दोस्तों, फसल संयोजन विधि विकसित की थी, कमेंट्स करिए दोस्तों, बस एक मिनट पानी पीने का मौका दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, इतने सारे छात्र हमारे साथ जुड़ करके जो प्रेम और स्नेह दिखाया है वो बहुत मजेदार है, ठीक है। चलिए, सभी बच्चों ने बहुत शानदार दिया है प्रश्नों का आंसर, मैंने देख लिया भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं, एकदम बहुत शानदार लगा है। लिखा है किसने फसल संयोजन विधि विकसित की थी, तो जेसी बीवियर साहब ने किया था, ठीक है, जेसी बीवियर साहब ने किया था, यह एक बार हमने और बताया था आपको, लेकिन है बहुत शानदार, लेकिन आज से 2 साल पहले मैंने इसे पढ़ाया था जब मैं शुरू में स्टडी 91 परिवार से जुड़ा था। तो दोस्तों यहाँ से देख लीजिएगा, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, भारत का सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया था, सबसे पहले किस राज्य में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था, 1960 ईस्वी में, जी हाँ दोस्तों, पंत नगर में, ठीक है, पंत नगर उत्तराखंड, जी हाँ दोस्तों, वहीं पर स्थापित किया गया था, लेकिन ये पहला विश्वविद्यालय पहले उत्तर प्रदेश में था, अब उत्तराखंड में है, जिसका नाम क्या है भैया, तो गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है, गोविंद बल्लभ, ठीक है, बल्लभ पंत, याद रखिएगा नहीं भैया, विश्वविद्यालय है, ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत, इसका उद्घाटन किसने किया था, तो पंडित नेहरू जी ने किया था, किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, ये बातें नोट कर लीजिएगा,
कृषि विश्वविद्यालय को लेकर के, ठीक है, कृषि विश्वविद्यालय को लेकर यहां से भी ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एशिया का चावल तकनीकी पार्क स्थापित किया गया है, एशिया का चावल तकनीकी पार्क जो स्थापित किया गया है वह 2016 में किया गया है, कब 2016 में किया गया है और किस राज्य में किया गया है, तो कर्नाटक राज्य में किया गया है। किस राज्य में किया गया है, कर्नाटक राज्य में। दोस्तों अभी हाल ही में कर्नाटक के, जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री बदले हैं क्या, ठीक है, तो उनका नाम याद रखिएगा। एक प्रश्न और पूछ सकता है कर्नाटक के किस जिले में है, तो कोप्पल जिले में है, ठीक है ना दोस्तों, कोप्पल जिले में इसका आधारशिला रखा गया था पहला चावल तकनीकी पार्क का। अगला प्रश्न आपके सामने आने से पहले, राजस्व लेखपाल नया बैच हमारे यहाँ प्रारंभ है, अभी भी आप अपना भागीदारी ले सकते हैं। सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है, सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो पटसन है, क्या जो पटसन है, उस पटसन को सुनहरा रेशा कहा जाता है, ठीक है, उस पटसन को क्या कहा जाता है, सुनहरा रेशा कहा जाता है। चाय को भी कहा जाता है कभी कभी, कपास को भी कहा जाता है, ये सब सुनहरे रेशा में आते हैं, लेकिन दोस्तों आपको बता दे जो मेन सुनहरा रेशा है वह पटसन है। क्या है, पटसन है, ये ध्यान देने वाली बातें हैं, ठीक है। चलते हैं आगे, काटो जलाओ कृषि का मतलब क्या है, पहले काटो फिर जलाओ कृषि का मतलब क्या होता है, गन्ने की फसल उगाने की तकनीक, जी नहीं दोस्तों, वन नाशन की प्रक्रिया, जी नहीं, सिंचाई कृषि रहित कृषि, मतलब सिंचाई रहित कृषि, जी नहीं, झूम खेती का नाम आपने सुना होगा। झूम खेती का मतलब ये होता है दोस्तों, जब तक, पहली बात तो ये ध्यान लीजिए, ये जो खेती होती है यह पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्रों में होती है, कहाँ पर, पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्रों में होती है, और इस कृषि का क्या मतलब होता है, तो दोस्तों जो हमारे आदिवासी लोग भाई हैं, जनजातीय भाई लोग हैं, या फिर पर्वत पहाड़ के किसान भाई लोग हैं, वह क्या करते हैं, पहाड़ों या पर्वतों पर ढालदार खेत बनाते हैं, जब तक उस खेत की उपज रहती है तब तक वह उस पर खेती करते हैं, बाद में जैसे ही उसकी उपज खत्म होती है उस स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर खेती करना प्रारंभ कर देते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को झूम खेती कहते हैं, यह याद रखने वाली बातें हैं। अगला प्रश्न आपके, वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है, वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है, अगर देखा जाए तो दोस्तों वर्ष भर कौन सी फसल बोई जाती है, गेहूं तो सिर्फ दोस्तों एक बार बोई जाती है रबी की फसल में नहीं, जी हां दोस्तों, और नवंबर दिसंबर के पास, अक्टूबर नवंबर याद रखिएगा दोस्तों, इसी के आसपास से कहानी शुरू होती है, मार्च अप्रैल तक इसका द एंड हो जाता है, तो वर्ष भर नहीं है। राई भी रबी की फसल है, मक्का खरीफ की फसल है, उड़द आपकी भले खरीफ की फसल है, लेकिन यही एक ऐसी फसल है दोस्तों जो वर्ष भर बोई जाती है। कहने का मतलब, उड़द आप खरीफ फसल में भी बो लेते हैं, रबी की भी फसल में बो लेते हैं कुछ लोग, और जायद की फसल में तो बोते ही बोते हैं। कहने का मतलब, अब गर्मी के दिनों में आप देखेंगे उड़द की खेती, मूंग की खेती जबरदस्त होती है, क्या होती है, जबरदस्त होती है, इसीलिए वर्ष भर। अच्छा, ये फसल जो होती है उड़द की फसल ना, यह एक तरह से खाद्य फसल भी मानी जाती है। उड़द की फसल बोने से क्या होता है दोस्तों, खेत में जो मतलब एक तरह से उपजाऊपन होता है वह बढ़ जाता है, क्यों, क्योंकि दोस्तों जब उड़द पकती है तो इसकी पत्तियां खेत में ही गिर जाती हैं, और ये पत्तियों से क्या होता है दोस्तों, एक तरह से, जी हाँ, कंपोस्ट खाद तो हम कह सकते हैं कि मतलब जो प्रकृति रूप से, नेचुरल रूप से हमको खाद प्राप्त हो जाती है वह बहुत जरूरी है यहाँ पर उड़द की फसल से। अगला प्रश्न है, कार्नल बंट, जी हाँ दोस्तों, किससे संबंधित है, तो दोस्तों कार्नल बंट जो है वह आपके गेहूं की खेती से संबंधित है, क्या ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है, कार्नल बंट किससे संबंधित है, तो गेहूं की खेती से ही नहीं, तो जो गेहूं के खेती
में जो रोग लगता है दोस्तों, उसमें एक करनाल बंट भी है। कभी कभी आपने देखा होगा गेहूं की खेती में जो बालियां होती हैं वो एकदम काली हो जाती हैं, ठीक है, आपने देखा होगा, बहुत बार देखा होगा। तो जी हाँ दोस्तों, समझ गए होंगे। अब लिखा होगा नेट का पेपर हो या फिर, जी हाँ दोस्तों, टेट का पेपर हो, जबरदस्त वैकेंसी हमारे यहाँ जो आई हुई उसकी तैयारी हो रही है। अल्फांसो है, क्या है दोस्तों अल्फांसो? जी हाँ दोस्तों, आम की एक किस्म है, ठीक है। और इस समय तो आप जान रहे होंगे दोस्तों, लंगड़ा आम हो गया, दशहरी आम हो गया, चौसा आम हो गया, ठीक है, अल्फांसो आम हो गया, बहुत सारे आम आपके मार्केट में आएंगे, उनमें से एक है जी हाँ दोस्तों आम, ठीक है। और निम्न में से कौन सा एक वन पृथ्वी का फलोद्दान कहलाता है? निम्नलिखित में से कौन एक वन है पृथ्वी का फलोद्दान कहलाता है, मतलब भैया सबसे महत्वपूर्ण है? तो जो हमारा भूमध्य सागरीय वन है ना, भूमध्य सागरीय वन, यहाँ पर जैतून की खेती होती है, यहाँ पर आपके अंगूर की खेती होती है, इन सब की बहुत ज़्यादा खेती होती है, इसलिए इसे भूमध्य सागरीय वन को पृथ्वी का फलोद्दान वन भी कहा जाता है। यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो सभी छात्र छात्राएं जो हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बेहतरीन ढंग से आंसर दे रहे हैं भाई, मजा आ गया है देख करके। और इसी तरह हम चाहते हैं कि आप लोग बढ़िया दिल लगी के साथ मेहनत करें। आगे लिखा है भारत में मानसून की अवधि के शुरू होने और समाप्त होने के बीच महीने हैं। तो दोस्तों भारत में जो मानसून शुरू होता है वह जून महीने में शुरू होता है और सितंबर माह में खत्म हो जाता है। क्या गजब का प्रश्न था! अगर मैं आंसर नहीं देता तो सच में आप लोग एकदम सोच में पड़ जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा टाइम हमें देख करके चलना है दोस्तों। कंपटीशन में करवा सकता था, लेकिन मैं कहा कि भाई आज थोड़ा सा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए हम खुद ही ताबड़तोड़ आंसर दे सकते हैं। तो लिखा है मानसून की अवधि के शुरू होने और समाप्त होने के बीच के महीने क्या है? तो शुरू होने का महीना जून है, समाप्त होने का महीना सितंबर है। याद रखना दोस्तों, ये बातें आपको पता होना चाहिए। इसीलिए सितंबर के आसपास तमिलनाडु में वर्षा होती है, सितंबर अक्टूबर के महीने में, ये बातें आपको पता होना चाहिए। और वह होती है लौटती हुई मानसून से। निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? मार मृदा को मृतिका मृदा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृतिका मृदा भी कहा जाता है। यह मृदा दो प्रकार की होती है, जिसमें से काली मृदा ज्यादा, ठीक है, काली मृदा है, ठीक है, यह मृदा सूखी मृदा में आती है, ठीक है, याद रखना, मतलब पानी की कमी होती है। क्या? पानी की कमी होती है, और जब पानी इसमें मिल जाता है तो इसकी उपज बढ़ जाती है। झांसी, ललितपुर, जी हाँ दोस्तों, इन सारे राज्यों में यह मृदा काफी अधिक मात्रा में पाई जाती है। यह मृदा, याद रखना, उपजाऊ कम होती है। हम आपको बता दें, जब तक इसमें पानी नहीं मिलेगा समस्या झेलती रहेगी, और समस्या झेल भी रही है। यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हो दोस्तों, जो जबरदस्त हमारे यहाँ आपका बैच चल रहा है, अभी भी अपना कोर्स परचेस कर सकते हैं। वह मिट्टी जो वर्ष भर के कारण गहन निक्षालन की ओर प्रवृत्ति है, क्या कहलाती है? ठीक है, वह मिट्टी, जी हाँ दोस्तों, जैसे क्या होता है, मिट्टियां कई प्रकार की होती है। भारत में सबसे ज्यादा जो मिट्टी पाई जाती है वह जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, और जलोढ़ मिट्टी का विस्तार जो है दोस्तों वह कितना है? जी हाँ, 43% के आसपास है। तो कहने का मतलब, ये बातें तो सच है, लेकिन यहां पर लिखा है निक्षालन की ओर प्रवृत्ति है, तो वह कोई और नहीं, लाल मृदा है। भारत की दूसरी प्रमुख मृदाओं में लाल मृदा आती है, तीसरे में काली मृदा का स्थान है। तो लाल मिला मृदा को आप यहां से देख सकते हैं। देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है? वह कौन सी ऐसी मिट्टी है जिसे स्वतः कृषि मृदा कहा जाता है, अपने से जुताई कर लेती है? तो ऐसी मृदा
कोई और नहीं काली मृदा है। काली मृदा को ही कपासी मृदा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों? जब यह मृदा सूखती है तो सूखने के कारण इसमें दरारें पड़ जाती हैं। दरारें पड़ने के कारण जो केश नलियां होती हैं, मतलब केशकत, वह टूट जाता है और टूटने के कारण जी हाँ इसके नीचे नमी बनी रहती है। इसलिए इस मृदा को स्वतः अर्थात कृषि करने वाली मृदा भी कहा जाता है। महाराष्ट्र का क्षेत्र हो, गुजरात का क्षेत्र हो, या फिर मालवा का क्षेत्र या कर्नाटक का, इन सब में ज्यादातर विस्तृत दक्कन का पठारीय क्षेत्र जो है दोस्तों, वह आपका नहीं काली मृदा का क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, काली मृदा का क्षेत्र माना जाता है। आयरन की प्रधानता होने के कारण ही इसका रंग काला होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न अपने आप में, एस्किमो कहाँ खानाब दोष शिकारी हैं? ठीक है ना दोस्तों, तो ये याद रखिएगा नहीं, ग्रीनलैंड। ठीक है, ग्रीनलैंड हो दोस्तों, या फिर कनाडा हो, या फिर अलास्का हो, इन सब पार्टों में आप कहानी दोस्तों क्या होता है, एस्किमो जनजाति। हम बार बार एस्किमो जनजाति क्यों ला रहे हैं? क्योंकि दोस्तों यह टुंड्रा प्रदेश में पाई जाती है और टुंड्रा प्रदेश में आपका यूरोप भी आता है कुछ भाग, कुछ एशिया का पार्ट भी आता है, मतलब रसिया वाला पार्ट, वहां पर युद्ध चल रहा है और उसमें से यह जुड़ सकती है, इसलिए यह बार बार आ रही है। अभी ऑर्डर करें अपने नजदीकी बुक स्टोर में जा करके। हमारा नंबर क्या है भैया? 7007734525 पर अपना कॉल कर सकते हैं। कॉल करके दोस्तों अगर आपको बुक ना मिली हो तो घर बैठे इसे क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। देखिए भाई, जब आप किसी बुक को पढ़ेंगे तभी उसके महत्व को समझेंगे। पहली बात तो आप जान लीजिए, यह बुक बड़े विधिवत ढंग से लिखी गई है। ठीक है, इसमें बहुत शोध हुए हैं तब जाकर के यह बुक तैयार हुई है। आगे लिखा हुआ है, मुंडा जनजाति भारतवर्ष में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? अब देखिए दोस्तों, मुंडा जनजाति, आपने एक नाम सुना होगा अर्जुन मुंडा। ठीक है ना दोस्तों, मंत्री भी रह चुके हैं अर्जुन मुंडा, नाम सुना है क्या? बिल्कुल भैया, और वह जनजाति क्षेत्र के ही मंत्री हैं, ये भी बातें आपको पता होना चाहिए। जन जातीय क्षेत्र के ही मंत्री हैं, ये भी बातें आपको पता होना चाहिए। तो जो मुंडा जनजाति है, ठीक है, जो मुंडा जनजाति है वह आपके झारखंड राज्य में पाई जाती है। झारखंड राज्य में आपको नहीं ये बातें, एक जनजाति और पाई जाती है जिसका नाम है संथाल जनजाति। ठीक है, अब देखिए, जैसे उत्तर प्रदेश से पूछा जाता है तो उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी जनजाति आई है डाटा भी, गोंड जनजाति है, फिर बुक्सा जनजाति है। ठीक है, फिर आप कहानी थारू जनजाति है। ठीक है, थारू जनजाति है, यहाँ याद रखिएगा। एक आपको ये भी पता होना चाहिए, थारू विश्वविद्यालय, मतलब थारू से संबंधित विद्यालय भी ओपन किया गया है, विश्वविद्यालय की तरह है दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश सरकार ने खोला है। का उत्तर प्रदेश सरकार ने खोला है, कहाँ खोला है? तो लखीमपुर खीरी में खोला है क्या, थोड़ा सा देख लीजिएगा, लखीमपुर खीरी में खोला है क्या इसको, और सोनभद्र राज्य में इसके लिए कई महत्वपूर्ण, जी हाँ दोस्तों, योजनाएं भी चल रही हैं जनजातियों से लेकर के उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ने भी इससे संबंधित, जी हाँ, योजना इष्टे, ठीक है, आपको सामने निकल करके आएंगे, बहुत सारी चीजें निकल करके आती है। गोंड सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति है दोस्तों, और भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है जनगणना 2011 के अनुसार। ठीक है, ये बातें आपको पता होना चाहिए, यहां से कई प्रश्न बन जाते हैं। आगे लिखा है याकूत। ठीक है ना दोस्तों, याकूत जनजाति का आवास वस्य स्थल है कहां भैया? तो उत्तरी साइबेरिया वाले क्षेत्र में, कहां पर है? उत्तरीय साइबेरिया वाले क्षेत्र में है। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं कि उत्तरी साइबेरिया के क्षेत्र में याकूत जनजाति पाई जाती है, और यह, जी हां दोस्तों, जो साइबेरिया का बहुत बड़ा पार्ट है, ठीक है, उस साइबेरिया के क्षेत्र में पाई जाने वाली सबसे प्रमुख जनजातियों में से एक है, सबसे प्रमुख जनजातियों में से एक है। तो यहां से भी बातें आप याद रखिएगा।
साइबेरिया सारस किस ऋतु में घाना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं? घाना लिखा है, घाना घाना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है भैया? राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में है। और यह, जी हाँ दोस्तों, शीत ऋतु में आते हैं। कब आते हैं? शीत ऋतु में आते हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। तो कौन सा? साइबेरियन सारस। साइबेरियन सारस बहुत प्रमुख है, नो डाउट से। शीत ऋतु में राजस्थान में बहुत सारे प्रवासी पक्षी आते हैं, चिल्का झील में बहुत सारे प्रवासी पक्षी आते हैं, यहाँ से आपका साइबेरियन सारस तो आते ही आते हैं, नो डाउट दोस्तों। बहुत सारे अर्थात है, जैसे आपके बगुला हो गया, राजहंस हो गया, ये सब पक्षी भी बहुत तेजी से आपको आते हैं। कहाँ पर? चिल्का झील वन में। तो यहाँ से भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है, इसलिए आप सभी लोग जो आज प्रश्नों की एक बेहतरीन श्रृंखला का सही सही एवं सटीक उत्तर दिया है, हम आप सबसे एकदम खुश हैं। मैं देख रहा था लगातार कंटिन्यू मेरी नजर बच्चों पर ही बनी हुई थी कि कौन किसका क्या आंसर आ रहा है। सभी बच्चे लगभग 75% प्लस सही आंसर दिए हैं, किसी का एक गलत है, किसी का दो गलत है, वो कोई बात नहीं, चलता रहता है। लेकिन जो आप लोगों ने इतना प्रेम स्नेह से ये पूरी क्लास को, जी हाँ, आपने लिया है, उसका कोई जवाब नहीं। तो दोस्तों, हमारा लगातार आपके लिए लाइव शो चलता रहता है। आप जानते हैं कि दोपहर 12 बजे, शाम 6 बजे और रात्रि 10 बजे हम आपके लिए रोजाना उपस्थित होते हैं। अपना हृदय तोड़िए नहीं, जुड़े रहिए और सफलता की सीढ़ी पर निश्चित चढ़ेंगे। ये मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूँ, जीएस में आपको कोई पीछे कर नहीं सकता है, बस आप करंट अफेयर्स ध्यान से देखते रहिएगा। बस मेरे दोस्तों, करंट अफेयर्स देखते रहेंगे, बाकी यहाँ के पार्ट हमारे ऊपर छोड़ दीजिए और कुछ छोड़ दीजिए अमरेश सर पर, दोनों लोग मिलकर आपको जरूर सफलता दिलाएंगे, ये मेरा पूरा वादा है। तो दोस्तों, यह है वीडियो से संबंधित बुक जो अभी आपके निजी बुक स्टोर में आ चुकी है दोस्तों, और यहां से आप जा करके, जी हां दोस्तों, बुक स्टोर में इसे परचेज कर सकते हैं। और अगर नहीं परचेज कर पाते हैं तो फिर ये जो हमारे नंबर दिए होते हैं दोस्तों, उस पर आप संपर्क कर लीजिएगा, वहां से भी आपको बुक मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये आपके लिए दिए गए नंबर हैं, अगर किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो इन नंबर पर आप लोग कॉल कर लीजिए, ठीक है? इन नंबर पर आप कॉल कर लीजिए और बढ़िया से बातें कर लीजिए, ठीक है? तो इस तरह ये था आज का पूरा सेशन, बढ़िया बेहतरीन तरीके से मेहनत करिए, दिल लगी दीजिए। इजाजत यहीं पर, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।